नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके कमेंट के मुताबिक, जो आपके कमेंट आ रहे हैं हमारी सभी वीडियो पर, इस ई नीलामी को लेकर कि सोनी पल, जी अनमोल, स्टार उत्सव और रिश्ते चैनल, क्या ये चार चैनल आएंगे। ये हमारे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं हर वीडियो पर जब से ये ई नीलामी की घोषणा हुई है। यहाँ पर हम इन्हीं चैनलों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं चार चैनलों के बारे में बात करेंगे कि क्या ये कमबैक करेंगे या नहीं, आज आपको अच्छे से समझाएंगे। पहले तो एक बार देखिए, सोनी के पास जो सोनी एंटरटेनमेंट है, उसके पास जो हमें सोनी हैप्पी इंडिया पैक मिल रहा है एक पेड डिश में 35 रुपये 99 पैसे का, यानी कि 36 रुपये का पैक है, उसमें सिर्फ 6 चैनल ही है इनके पास देने के लिए यूजर को, 3 मूवी के और 3 एंटरटेनमेंट के, उनमें एक सेट, दूसरा सोनी साब, तीसरा सोनी पर, यानी कि इनके पास चैनल ही नहीं है, टोटल 3 चैनल एंटरटेनमेंट के, और सोनी पल पर ये सोनी सब के ही सीरियल दिखा रहा है ज्यादातर, तो ये आना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि इनके अगर इन्होंने किसी भी चैनल ने, इसने चाहे जी अनमोल है, चाहे सोनी पल है, चाहे स्टार उत्सव है, चाहे रिश्ते चैनल है, अगर ये चैनल डीडी फ्री डिश पर आ गए तो डीडी फ्री डिश के यूजर, जो एक्टिव यूजर है, उनको तो इंजॉय करने को मिलेगा और साथ में पेड डिश वाले भी छोड़कर डीडी फ्री डिश की तरफ रुझान ज्यादा कर सकते हैं, इसकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली है कि अगर ये चैनल डीडी फ्री डिश पर दिए जाते हैं तो जो इनके पेड डिश पर, चाहे टाटा स्काई, चाहे वीडियोकॉन, चाहे एयरटेल, चाहे डिश टीवी, कहीं पर भी है, चाहे केबल टीवी पर हो, डेन हटवे और जीटीपीएल, कहीं पर भी हो, वहां पर इनकी मार्केट डाउन हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब कि वहां पर प्राइवेट डिश भी इनको चैन से बैठने नहीं देगा कोई भी प्राइवेट वाला, क्योंकि इनका जो मार्केट है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी इस लॉकडाउन के दौरान जितने भी ये पेड चैनल है, महंगे चैनल है, इन सभी की मार्केट या टीआरपी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। अगर ये इस बार इस ई नीलामी में पार्टिसिपेट करते या किया है, अगर ऐसा होता तो इनको और भी ज्यादा नुकसान होना था, जिससे इनके जो महंगे चैनल है, 19 रुपए वाले चैनल है, या 15 रुपए वाले चैनल है, या 10 रुपए वाला चैनल है, उसकी मार्केट बिल्कुल नीचे आ जानी थी। सभी लोग आज के टाइम में, सभी को मालूम है कि अगर सोनी सब पर नए सीरियल आ रहे हैं तो सोनी पल पर उसी के ही पुराने रिपीट सीरियल दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही जी अनमोल पर, जी टीवी के भी बहुत सारे सीरियल जी अनमोल पर दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ही स्टार के, ऐसे ही रिश्ते चैनल के, सभी का एक ही तरीका अपनाया हुआ है कि वो एक एक रुपए वाले चैनलों पर रिपीट सीरियल दे रहा है। अब हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि ये चैनल आना, ये सोनी पल, स्टार उत्सव, जी अनमोल और रिश्ते चैनल आना नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता कि ये चैनल इस नीलामी में पार्टिसिपेट ले रहे। जिन दोस्तों के कमेंट आ रहे थे उनको अच्छे समय लगे होगा, ये कभी भी अब नहीं मिलेंगे जब तक इनके महंगे चैनल चल रहे हैं, जब तक इनके पेड डिश पर इनके पेड चैनल चल रहे हैं तो डीडी फ्री डिश पर ये नहीं आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने 2 महीने पहले इन्होंने फ्री कर दिए थे ये चारों चैनल, पर सिर्फ पेड डिश पर, डीडी फ्री डिश पर तो ये उस वक्त भी नहीं आए थे लॉकडाउन के वक्त, जब दर्शकों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो अब कैसे आ जाएंगे दोस्तों। आशा करते हैं आप अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।